हे एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स फैंटम। थंबनेल देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि ये वीडियो किस चीज के ऊपर है। सो गाइस, एज यू ऑल नो कि अभी 2-3 दिन पहले सीबीएसई की साइड से एक गाइडलाइंस आई है और यू कैन से एक नया अपडेट सीबीएसई ने दिया है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। सो जैसे अभी तक आपके बोर्ड एग्जाम्स फाइनल मार्च में होते थे और उसके बेसिस पे आपका रिजल्ट आता था, तो कमिंग सेशन से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कमिंग सेशन जो अभी जो करंट सेशन चल रहा है 2021 to 2022, इस सेशन के लिए सीबीएसई ने एक नई गाइडलाइंस दी है जिसके अकॉर्डिंग आप सबके बोर्ड एग्जाम्स दो टर्म्स में होंगे। एक होगा फर्स्ट टर्म एंड देन सेकेंड टर्म। जो फर्स्ट टर्म एग्जाम्स होंगे वो नवंबर दिसंबर में होंगे एंड सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन मार्च और अप्रैल 2022 में होने वाले हैं। सो इस टर्म्स जो ये आपकी गाइडलाइंस है इसके अकॉर्डिंग आपके जो फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम्स होंगे वो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, मीन्स कि एमसीक्यू बेस्ड। अब अगर सीबीएसई एमसीक्यू बेस्ड कह रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको करेक्ट 4 ऑप्शंस दे दिए और उसके बाद में आपका सिंपल सा पेपर बनने वाला है, तो ये आपकी गलतफहमी है। अब इसके अकॉर्डिंग आपके असेशन रीजन भी आ सकते हैं, कुछ केस स्टडीज भी आएंगी और जो आप थोरोली रीडिंग करते थे जैसे एनसीईआरटी की, जो कम करते थे उनको आप ज़्यादा करनी पड़ेगी। मतलब कि जैसा होता है ना कि हर चीज़ का एक बून और बेन होता है, तो सेम इसी तरीके से जो गाइडलाइंस है ये अच्छी भी है और किसी न किसी सेंस में ये थोड़ा नेगेटिव भी हो सकती है, तो बी पॉजिटिव कि ये अच्छी ही हो। इसके अकॉर्डिंग जो आपके सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन होंगे वो सब्जेक्टिव पेपर होगा। सब्जेक्टिव मतलब जैसे नॉर्मल बोर्ड के एग्जाम्स जैसे होते हैं वैसे ही। बट ये जो नया अपडेट है इसकी एक खासियत ये है कि जो इसमें सिलेबस है आपका, जैसे अभी तक बोर्ड एग्जाम्स में क्या होता है कि फाइनल मार्च में जो एग्जाम्स होते हैं उसमें पूरा सिलेबस आ जाता है, बट इस बार वाले एग्जाम्स जो होंगे उसमें ये जो सिलेबस है वो हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स कि जो आपका हाफ पोर्शन होगा वो फर्स्ट टर्म में आएगा एंड हाफ वन सेकेंड टर्म के लिए आएगा। जो फर्स्ट टर्म में एग्जाम्स होंगे, मीन्स कि नवंबर दिसंबर में जो आपके ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है उसके अंदर 90 मिनट्स का पेपर होगा और उसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, टिक द करेक्ट जिसको कहते हैं। अगर आप में से कोई बाद में जैसे कि आफ्टर 12th कोई साइंस बैकग्राउंड का बच्चा है और अगर वो एग्ज़ाम देना चाहता है, लाइक कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर आप देना चाहते हैं, तो उसमें जैसे OMR शीट मिलती है कि आपको उसमें आंसर्स को फिल करना होता है, उसके बाद में स्कैन करके चेक करी जाती है। इस बार CBSE का जो ऑब्जेक्टिव वाला पैटर्न है कुछ ऐसा ही है वो, तो ये कुछ काफ़ी हद तक अच्छा है क्योंकि इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको बाद में भी एग्जाम्स को कैसे देना है। इसके अलावा ये जो आपकी गाइडलाइंस है इसके अकॉर्डिंग अब जैसे पहले हमने हमारे सीनियर से सुना है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करके जाइए, आप सीबीएसई में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो इस बार थोड़ा इसमें कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं क्योंकि सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन जब सब्जेक्टिव होते हैं तो उस टाइम पर अगर 3 मार्क्स की वेटेज है सपोज, तो अगर आप उसमें आंसर में कुछ अटैम्प्ट करते हैं तो आपको कुछ हद तक मार्क्स मिलते हैं, लेकिन अगर पेपर ऑब्जेक्टिव है तो उसमें आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा टिक, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसकी वजह से आपकी मेहनत थोड़ी एक्स्ट्रा हो जाएगी, रीडिंग आपको ज़्यादा अच्छे से करनी पड़ेगी, NCERT की वर्ड टू वर्ड रीडिंग करिए जिससे आपको बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हेल्प मिलेगी, प्लस CBSE में तो आप अच्छा स्कोर कर ही पाएंगे। इसके अलावा गाइस, जैसे आप लोगों ने 11th क्लास में जिन्होंने भी किया होगा टाइम वेस्ट, सबको पता है अपना, तो जैसे आप लोगों ने 11th में टाइम वेस्ट कर दिया था ऐसे आप 12th में मत करिए, डे वन से लग जाइए। जैसे ही आपको लगता है कि आपकी स्टडीज़ पे आपको फोकस करना चाहिए उस अकॉर्डिंग से, जिसका जो भी पोर्शन वीक है, जो भी चैप्टर्स में दिक्कत आती है उसको अभी से कॉन्टिन्यूशन में करिए। और ये बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप डेली 4-5 आवर्स ही पढ़ रहे हैं या आप 7-8 आवर्स पढ़ना ही कंपलसरी है, आप डेली बेसिस पे पढ़िए, चाहे डेली 2 आवर्स पढ़िए, लेकिन वो इफेक्टिव स्टडी करिए। उससे क्या होगा, आप अगर अभी से डेली बेसिस पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो एग्जाम टाइम तक आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। और एज यू ऑल नो कि अभी जो है प्रॉपर सिलेबस आपको नहीं प्रोवाइड किया है CBSE के साइड से, मे बी जुलाई एंड तक आपको इसका पूरा प्रॉपर सिलेबस मिल जाए कि आपका जो फर्स्ट टर्म एग्जाम्स होंगे उसमें कितना सिलेबस आएगा और जो सेकेंड टर्म एग्जाम्स होंगे उसमें कितना सिलेबस आएगा। बट अभी भी स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं उनकी रीडिंग स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपको दिक्कत ना आए। एंड वन मोर थिंग, जैसे अभी ये जो 12th क्लास है स्कूल की, ये लास्ट क्लास होती है, सो आई रिक्वेस्ट यू कि बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए,
ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए, और ऐसा तो बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि रूम को आप बुक्स से भर लेंगे तो बहुत इफेक्टिव स्टडी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास जितना भी स्टडी मटेरियल है, चाहे लिमिटेड अमाउंट है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए ताकि आप उसमें से कम चीज़ों में से भी आप बहुत अच्छा कर पाएँ। As I told you, ये आपकी लास्ट क्लास है स्कूल की, और ऊपर से सबको ये चीज़ पता है कि जो ट्वेल्थ बोर्ड होता है वो एक फाइनल रिजल्ट होता है आगे फ्यूचर में आपको जॉब या किसी भी चीज़ में, मतलब आप अपना करियर सेट करने के लिए। तो प्लीज़ आप डेली बेसिस पे स्टडी करिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप चाहे कहीं से भी कोचिंग ले रहे हैं, चाहे आप किसी इंस्टीट्यूट से कोचिंग ले रहे हैं, चाहे ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन जो कोचिंग क्लासेस होती हैं वो ले रहे हैं, आप जो मर्जी जहां से भी आप स्टडी करते हैं वो कंटिन्यू रखिए, लेकिन उन सब के साथ साथ में आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सेल्फ स्टडी। जब तक आप अपनी सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, आप अपने हैंड रिटन नोट्स को नहीं बनाएंगे, तब तक आप स्कोर नहीं कर सकते, क्योंकि जो सेल्फ स्टडी है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। सेल्फ स्टडी से ये होता है कि सबका अपना अपना अलग अलग वे होता है पढ़ने का, सबके माइंड की एक अलग कैपेसिटी होती है, कौन कितना स्टोर कर सकता है माइंड में, कितनी ज़्यादा उसकी कैचिंग पावर है, तो वो नोट्स आप अपने अकॉर्डिंग अगर बनाते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अभी आपके पास टाइम है तो आप डेली बेसिस पे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, ताकि जब आपके एग्जाम्स पास आने लगें तो उस टाइम पे आप उन नोट्स को जस्ट एक बार रीड आउट करें और आपके लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाए। सो इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। व्हाट आई एग्जैक्टली वॉन्ट टू से कि आप अभी से अपनी स्टडीज़ करिए, CBSE की जैसे भी कोई नई गाइडलाइंस आएगी, कोई अपडेट आएगा तो वो मैं आपको बताऊंगी। उसके अलावा जो अभी आपके पास करंट में जो चीज़ें हैं उनसे आप अपनी स्टडी स्टार्ट करिए। सबसे पहली चीज़, मार्कर ले लीजिए एक, और NCERT की वर्ड टू वर्ड रीडिंग स्टार्ट करिए, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, इंपॉर्टेंट जो आपको लगता है कि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है उनको आप हाईलाइट करिए, ताकि बाद में जब आप उसको एक बार रीडिंग करें तो आपके लिए वो हेल्पफुल। उसके अलावा जो भी आप स्टडी कर रहे हैं जैसे, उसको कंटिन्यू रखिए। आप ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा तो आप थ्योरी पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि जब तक अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता होगा तो आप ऑब्जेक्टिव भी अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। सो स्टडी जिस तरीके से भी कंटिन्यू आपने करी हुई है वो करिए, उसके साथ साथ थोड़ा एक्स्ट्रा आपको एफर्ट्स डालना पड़ेगा अपने ऑब्जेक्टिव पोर्शन पे, ताकि आप आंसर्स को ज़्यादा अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। एंड आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसके अलावा प्लीज़ डेली बेसिस पे कंटिन्यूएशन में पढ़ाई करिएगा, और थैंक यू सो मच।